अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल की आप सिलाई सेंटर। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और हम भी बहुत ही अच्छे हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में आज आप लोग को हम दिखाएंगे बेडशीट डिज़ाइन की स्टिचिंग करना, और कटिंग जो है हमने अगली वीडियो में दिखाया, तो स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हैं हमारी बेडशीट डिज़ाइन। इसी की हम स्टिचिंग करना बताएंगे, सिलना बताएंगे आप लोग को। तो आप लोग को जो कटिंग वाली वीडियो है उसका लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोग वहां से जाके कटिंग वाली वीडियो देख सकते हैं, नहीं तो आप हमारे चैनल पे भी जा करके देख सकते हैं हमने अगली वीडियो में अपलोड किया हुआ है। तो उस पर बहुत सारा स्टेप बाय स्टेप समझाया गया है, कितने कपड़े लेने हैं, कितने पीसेस लेने हैं, सभी कुछ आपको समझाया गया है। तो आप लोग जाइए और हमारे कटिंग वाली वीडियो को देखिए। दोस्तों अगर आप लोग भी डिज़ाइन को बनवाना या मंगवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को आप लोग आखिर तक देखिएगा, आप लोगों को बहुत ही अच्छे समझ में आने वाला है। तो दोस्तों वीडियो देखने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन मिल सके और आप लोग देख सकें हमारी हर नई वीडियो। तो चलिए दोस्तों हम वीडियो को शुरू करते हैं, फिर डिज़ाइन को बनाना बताते हैं। और यहाँ पे कटे हुए पीसेस जो है हमने ले लिए हैं, और डिज़ाइन बनाने के लिए यहाँ पे हमने कपड़े को निकाल लिया है एक पीस बनाने के लिए, और बाकी का जो कपड़ा है हमने उसे किनारे रख दिया है। तो जो हमारा बाकी का कपड़ा बचा हुआ है उसको हम रख देंगे किनारे, और जितने भी हमारे पीसेस लगेंगे एक डिज़ाइन बनाने में उतना हमने पीस को निकाल लिया है। तो इस वाले को हमने लिया 16 पीस, इसे भी 16 पीस लिया है, इसे 8 पीस, और इस वाले को 16 पीस, और इस वाले को 12 पीस, और ये वाला हमारा 8 पीस है, और इसे हमने लिया है एक पीस। तो इतने से हम एक ही डिज़ाइन को बनाएंगे और बाकी का आपको इसी तरीके से बना लेना है। तो चलिए फिर हम आपको इसको सिलना बताते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सभी पीसेस को अलग किनारे कर देंगे, और यहाँ पे जो हमारा कटा हुआ पीसेस है उसे लेंगे, और दोनों कलर में से हम निकालेंगे एक एक पीसेस को, और दोनों को अच्छे से रखना है बराबर से कॉर्नर से मिलाते हुए, हमें इसी सिलाई कर देना है। तो यहाँ पे हमने इसकी सिलाई कर दी है, यहाँ पे देख पा रहे होंगे हमने ज्वाइंट कर लिया है। तो जिस तरीके से हमने इस वाले पीसेस को ज्वाइंट किया, तीन और पीस हम ज्वाइंट कर लेंगे। तो चलिए इस तरीके से हम ज्वाइंट कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमने चार पीसेस को ज्वाइंट कर लिया है, देख पा रहे होंगे आप लोग। तो फिर आगे क्या करना है चलिए हम दिखाते हैं आप लोग को। तो इस तरीके से हम पीसेस को खोलेंगे, यहाँ पे ब्लैक को ब्लैक में मिलाएंगे यहाँ पे देखिए, और इसे हम जोड़ देंगे। तो बहुत ही सुंदर डिज़ाइन है, हम सिंगल बेडशीट बनाने वाले हैं यहाँ पे। तो हम आप लोग को बता दें जो बेडशीट हम बनाने वाले हैं वो कम से कम 5 फुट चौड़ाई रहेगा, लंबाई 7 फुट में रहेगा, हम आप लोग को पहले बता दे रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फिर दो पीस को उठाएंगे, वाइट मिलाएंगे यहाँ पे, पहले हम ब्लैक मिलाएंगे फिर वाइट मिलाएंगे, और यहाँ पे हम इस तरीके से जोड़ देंगे। तो यहाँ पे हमने इसको भी ज्वाइंट कर लिया है। तो इस तरीके से हमने जोड़ लिया है दो पीसेस को, और उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक ब्लैक का पट्टी उठाएंगे और इसे रखेंगे, और इसके ऊपर हम ज्वाइंट वाला पीस लेंगे, ब्लैक को ब्लैक में मिलाएंगे, और यहाँ पे हम इस तरीके से जोड़ देंगे। तो बहुत ही आसान ही डिज़ाइन है, आप लोग बहुत ही आसानी से बना पाएंगे। आप लोग वीडियो को आखिर तक देखते रहिए, आप लोग को बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। फिर हम एक पीस उठाएंगे, ब्लैक को इसे भी ब्लैक में मिलाएंगे, और इस तरीके से हम जोड़ देंगे। तो बहुत ही सुंदर डिज़ाइन बनने वाली है, आप लोग आखिर तक देखते रहिएगा, आप लोग को बहुत ही अच्छे समझ में आने वाला है। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप लोग, इस तरीके से हमने पीसेस को ज्वाइंट किया, इस तरीके से देखिए, ऐसे हमारा जुड़ने के बाद आएगा, और आना चाहिए आप लोग का भी। तो अब आगे क्या करना है, हम इसी तरीके से हम तीन और पीस बना लेंगे। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे, एक दो और तीन, यहाँ पे चार, तो चार पीस हमने यहाँ पे तैयार कर लिया है। तो इस तरीके से हमारे चार पीस हो गई है, और उसके बाद चलिए अभी आगे और दिखाते हैं। तो यहाँ पे जो टुकड़ा हमारा है उसे लेंगे, और वाइट और ब्लैक का लेंगे, और यहाँ पे हम ज्वाइंट कर देंगे। तो दो पीस हम ज्वाइंट कर लेंगे, दो पीस और हमें ज्वाइंट कर लेने हैं। तो यहाँ पर हमने जोड़ लिया है, फिर दोनों पीसेस को आपस में जोड़ना है, इस तरीके से मिलाएंगे ज्वाइंटों को, और यहाँ पर हम ज्वाइंट कर लेंगे। तो इस तरीके से हमारा जुड़ने के बाद आ जाएगा, देखिए खुलने के बाद इस तरीके से दिखेगा। तो हम क्या करेंगे, वाइट का पट्टी लेंगे और इस तरीके से हम रखेंगे, वाइट ऊपर रहेगा नीचे ब्लैक रहेगा, उसके बाद हम पट्टी को लगा लेंगे। तो यहाँ पे हमने पट्टियों को लगा लिया है इस तरीके से, देखिए यहाँ पे, और उसके बाद एक वाइट पट्टी लेंगे और एक ब्लैक का टुकड़ा लेंगे, और इसे हम जोड़ देंगे। तो यहाँ पर जुड़ने के बाद इसे हम यहाँ पर ऐसे जोड़ देंगे, देखिए यहाँ पर मिलाएंगे और ऐसे हमें जोड़ देना है। तो दोस्तों अगर आप लोग को कलर ना पसंद हो तो आप लोग अपने पसंद का कोई भी कलर ले सकते हैं, और कोई भी कलर से बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमने इस तरीके से इस पीस को ज्वाइन कर लिया, यहाँ पे देख पा रहे होंगे ऐसे हमारा जुड़ने के बाद आना चाहिए। तो यहाँ पे हम तीन पीस इस ऐसे ही जोड़ लेंगे, इसे लेकर के चार पीस। तो यहाँ पर देखिए, एक और यहाँ पर दो, तीन और यहाँ पर चार, चारों को हमने एक तरह से जोड़ लिया है।
और यहाँ पे हमारा जो टुकड़ा है वाइट का उसे लेंगे, और ज्वाइंट वाला जो डिज़ाइन का पीस है उसे लेंगे और यहाँ पे इस तरीके से रखेंगे और इसे हम ज्वाइंट कर देंगे। टुकड़े पे हमको रखने हैं, एक तरफ हमने जोड़ा तो दूसरी तरफ भी हम उसी तरीके से पीस को लेंगे और ज्वाइंट कर देंगे। रखने के बाद इस तरीके से हमें सिलाई को बराबर रखते हुए हमें ज्वाइंट कर लेने हैं। तो यहाँ पे हमने जोड़ लिया है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे जो हमारा दो पीस बचा हुआ है इस वाले पीस को लेंगे हम, यहाँ पे इस तरीके से रखना है। और देखिए यहाँ पे टुकड़ा हमारा इस तरीके से आना चाहिए, ऊपर की साइड से जाना चाहिए तिरछे में, और बीच में हम इस वाले पीस को लगाएंगे। यहाँ पे हमने जोड़ा, उसके बाद हम टुकड़े वाला पीस लेंगे दोबारा से, और देखिए इस पीस को उठाएंगे और हमारा जो ब्लैक वाला पीस है तिरछे में आना चाहिए दोनों तरफ से, और यहाँ पे इस पीस को मिलाते हुए हम यहाँ पे ज्वाइंट कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने पट्टी को ज्वाइंट कर लिया है, तो बीच में हमारा इस वाले डिज़ाइन रहेगा, किनारे किनारे टुकड़े वाला रहेगा। तो देखिए यहाँ पे हमारा जो है इधर आया साइड से, इस साइड से दोनों तरफ निकला हुआ है, और इस तरीके से हम एक और पीस ज्वाइंट कर लेंगे जैसे कि हमने आपको दिखाया। देखिए दो पीस हमने इस तरीके से तैयार कर लिया है सेम साइज तरीके से। और अब हम क्या करेंगे, जो हमारा जो पहले वाला पट्टी है उसे लेंगे, एक किनारे पर रखेंगे, यहाँ पे ज्वाइंट को मिलाते हुए हम एक तरफ पट्टी को लगा देंगे। तो आराम से सिलाई करने हैं, जब भी ज्वाइंट जो हमारी है जो टुकड़े की सभी को मिलाने हैं आपस में, और सिलाई बराबर रखते हुए हम नीचे तक आ जाएंगे। तो आराम आराम से सिलाई करें, जल्दबाजी ना करें और सिलाई जो है बराबर रखें, कम ज़्यादा ना करें। तो हमने एक तरफ यहाँ पे देखिए इस तरीके से हमने जोड़ लिया है, और फिर हम जो हमारा दूसरी तरफ बाकी है उसी तरीके से हम पहले जो हमने जोड़ा है उसी तरीके से घुमाएंगे पीस को, पट्टी को उठाएंगे और यहाँ पे मिलाते हुए यहाँ पे देखिए सभी ज्वाइंटों को हम ऊपर से नीचे तक सिलाई को कर लेंगे। तो आराम आराम से सिलना है आपको, सिलाई को बराबर रखते हुए जितने भी हमारे टुकड़े के वाले ज्वाइंटें हैं सभी को आपस में मिलाने हैं, खिसकाना बिल्कुल भी नहीं है आपको, और मिलाते हुए हम नीचे तक आ जाएंगे अच्छे से सिलाई करते हुए। तो यहाँ पे हमने पीस को सिल लिया है, तो जो हमारी डिज़ाइन है वो अच्छे से बन चुकी है और हमारी डिज़ाइन तैयार हो चुकी है। इस तरीके से हमने डिज़ाइन को तैयार कर लिया है बहुत ही अच्छे से, हमने पीसेस को ज्वाइन किया और डिज़ाइन को तैयार किया। तो जैसे हमने यहाँ डिज़ाइन को तैयार किया, आप आगे आपको पूरा ऐसे ही तैयार कर लेने हैं। तो यहाँ पर जितने भी हमारी पीसेस हैं हम तैयार कर लेंगे, तो जैसे हमने तैयार करके दिखाया सेम तरीके से आपको तैयार कर लेने हैं। तो जो भी हमारे जो बचे हुए पीसेस हैं, जैसे कि हमने रखा हुआ है कटा हुआ पीसेस यहाँ पे देख पा रहे होंगे, तो हम सभी को अच्छे से ज्वाइंट कर लेंगे। तो चलिए पूरा जोड़ने के बाद फिर हम आपको आगे बताते हैं कैसे आपको क्या करना है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको बेड पे हम दिखा दे रहे हैं हमारे जो डिज़ाइन है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि हमारी जो डिज़ाइन है कैसे बनी हुई है। आपको मशीन में अच्छे से दिख नहीं पा रहा होगा, तो पूरा डिज़ाइन इस तरीके से हमारा आएगा। तो हमारी जो डिज़ाइन है हमने पूरा तैयार कर लिया है, सभी कटे हुए पीसेस को हमने जोड़ लिए हैं। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे हमने सभी पीसेस को जितने भी हम सिंगल बेड शीट में लगाएंगे और हमने पीस को तैयार कर लिए हैं, इस तरीके से देख पा रहे होंगे आप लोग। तो ये हमारा जो पीस है वो हमने इसे 12 पीस लिया हुआ है। तो कैसे ज्वाइंट करना है आपको, तो चलिए हम दिखाते हैं। तो हम एक पीस इसमें से निकालेंगे और इसकी लंबाई को नापेंगे कितना हमारा ये लंबा पीस है हमारा है। तो यहाँ से ऊपर के नीचे तक रखेंगे, तो यहाँ पर हमारा जो है 17.5 इंच का हमारा है, 17.5 इंच का हमारा जो लंबाई है वो है। तो इतनी लंबी हमको पट्टी लेना है, तो जितनी लंबी हमको पट्टी लेना है और जितनी भी हमारी पीस होगी, तो यहाँ पे टुकड़े और पट्टी हमने पहले ही कट कर लिया है। तो इसकी जो चौड़ाई है हमने लिया है 2.5 इंच की, और लंबाई जो हमारी है वो हमारी है 17.5 इंच की, और हमारा जो पीस है उसे हमने लिया है 23 पीस। और जो टुकड़ा हमारा है ये भी हमारी 2.5 इंच की चौड़ाई है, और लंबाई चौड़ाई दोनों 2.5 2.5 इंच की ही हमारी है, हमने इसे लिया है। और ये टुकड़ा हमारा है ये हमारा है 10 पीस, 10 पीस इसे हमने लिया हुआ है। तो कैसे जोड़ना है चलिए हम आपको दिखाते हैं। तो हम पहले डिज़ाइन वाला पीस लेंगे और उसके बाद उसके ऊपर से हम पट्टी को रखेंगे और हम सिलाई करते हुए नीचे तक आएंगे। तो यहाँ पर हमें पकड़ लेना है और अच्छे से सिलाई करते हुए नीचे तक आ जाना है। तो यहाँ पे हमने पट्टी को सिल लिया है, फिर हम इस तरीके से खोलेंगे, उसके बाद हम डिज़ाइन वाला पीस लेंगे। तो यहाँ पे पट्टी लगाएंगे और पीस के बाद डिज़ाइन पट्टी लगाएंगे, पट्टी के बाद हम पीस को लगाएंगे। तो यहाँ पे इसको हम रखेंगे,
और इसे भी हम जोड़ेंगे। पीस को आपको पट्टी में मिला करके पकड़ लेने हैं और अच्छे से सिलते हुए नीचे तक आ जाने हैं। तो दोस्तों हम पूरी कोशिश करते रहते हैं कि आप लोग को अच्छे से बता पाएँ और समझा पाएँ। हम स्टेप बाय स्टेप पूरा इसलिए बताते हैं कि आपको कोई दिक्कत ना हो और आप लोग आसानी से बना पाएँ और समझ पाएँ कि किस तरीके से हमें जोड़ना है। तो यहाँ पर हमने डिज़ाइन पट्टी डिज़ाइन को लगाया, फिर उसके बाद हम पट्टी को लगाएँगे। तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा हमारा बताने का तरीका, और अगर आप लोग को ना आ रहा हो तो आप लोग देख करके भी समझ सकते हैं। तो हम यहाँ पे पट्टी और पीसेस को अच्छे से पकड़ लेंगे कि हमारा जो कपड़ा है कोई भी भागने ना पाए, यानी कि कोई छोटा बड़ा ना हो ना पाए और सेम बराबर आए हमारी पीसेस। तो यहाँ पे हमने पट्टी लगाया, उसके बाद हम फिर पीस को लगाएंगे। तो यहाँ पे हम ज्वाइन करते हुए नीचे तक आ जाएंगे। तो आपको हर बार देखना है कि हमारी जो पट्टी ना निकले बाहर, ना तो डिज़ाइन वाला पीस निकले, दोनों बराबर आएँ, क्योंकि हमने बराबर ही कट किया है तो कम ज़्यादा ना होने पाए, सिलाई में बराबर आए। तो यहाँ पे हमने ज्वाइंट कर लिए हैं। तो देखिए तीन पीस डिज़ाइन की, तो देखिए यहाँ पर डिज़ाइन हमने लगाया एक दो और यहाँ पर तीन, तीन डिज़ाइन एक पट्टी और दो पट्टी लगा करके हमने इसको तैयार किया है। जिस तरीके से हमने इसे तैयार किया पट्टी, इसी तरीके से जितने भी हमारे पीसेस बचे हुए हैं सभी को हम तैयार कर लेंगे, यानी कि हम चार पीस मतलब चार पट्टी हम तैयार करेंगे, सभी को दो दो पट्टी लगा करके। तो यहाँ पे हमने तैयार कर लिया है। तो यहाँ पे देखिए एक दो तीन चार, तो चार पट्टी हमने तैयार किया जिस तरीके से हमने आप लोग को दिखाया किस तरीके से हमने ज्वाइंट किया है। तो आप लोग को आ रहा हो समझ में कि किस तरीके से हमने इसे ज्वाइंट किया है। तो अब इस सभी को कैसे आपस में जोड़ने हैं वो चलिए हम आप लोग को दिखाते हैं। तो पहले हम पट्टी लेंगे और टुकड़ा लेंगे। तो यहाँ पर एक पट्टी निकालेंगे और उसके बाद हम टुकड़ा लेंगे। तो यहाँ पर टुकड़े को रखेंगे पट्टी पर और इसे हम ज्वाइंट कर देंगे। उसके बाद फिर हम पट्टी लेंगे दोबारा से और टुकड़ा पट्टी लगा करके हमें ज्वाइंट करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि दो टुकड़ा लेंगे और तीन पट्टी लेंगे और हम लगा जितनी भी हमारी पीस लगी हुई, जैसे तीन पीस लगी हुई दो पट्टी लगी हो, तो दो टुकड़ा लेंगे और तीन पट्टी लेंगे। पट्टी पे फूल हमारा आएगा, टुकड़े पे पट्टी आएगा जब हम ज्वाइंट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए एक दो और यहाँ पर तीन और टुकड़ा एक और दो, यहाँ पर तीन पट्टी दो टुकड़ा लगा करके हमने पट्टी को तैयार किया। तो इसी तरीके से हम इन सभी को भी कर लेंगे, इन वाले पट्टी को भी। तो देखिए कितनी पट्टी हमारी तैयार हुई है। तो एक दो और यहाँ पे तीन चार पाँच, तो पांच पट्टी हमने तैयार किया है। पांच पट्टी तैयार करके हम ज्वाइन करेंगे। पांच पट्टी इसलिए हमने तैयार किया है कि हमने दो पट्टी नीचे ऊपर भी लगाने हैं। वैसे तो लगता नहीं है लेकिन हम लंबाई बढ़ाने के लिए लगाएंगे दो पट्टी, या तो तीन ही पट्टी में हमारी बेडशीट ज्वाइन हो जाती। तो दो पट्टी हम ऊपर नीचे लगाएंगे तो आप लोग को देखने को मिलेगा। तो हम पट्टी उठाएंगे और यहाँ पे पीस को और जो पट्टी हमने ज्वाइंट किया है उसे लेंगे और उसके ऊपर रखेंगे। यहाँ पे देखिए ऐसे रखना है और यहाँ पे पट्टी पे जो हमारी पट्टी है वो डिज़ाइन पे आएगी और जो पट्टी हमने लगा करके फ्लावर को जोड़े हैं वो टुकड़ा जो हमारा ब्लैक वाला है वहाँ पर आ जाएगा। तो हम रखते जाएंगे और सिलाई करते जाएंगे अच्छे से बराबर से और टुकड़े को मिलाते हुए हम नीचे तक सिलाई को कर लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हमने पट्टी को लगा करके ज्वाइंट किया, यहाँ पे देख पा रहे होंगे बहुत अच्छे से हमारी जो पट्टी है लग चुकी है, सभी को हमने अच्छे से ज्वाइंट कर लिया है। तो यहाँ पे पट्टी लगाने के बाद इसके ऊपर हम फिर डिज़ाइन वाली पट्टी को उठाएंगे और लगाएंगे। तो उससे हम देखिए यहाँ पे रखेंगे और यहाँ पर जो हमारी ज्वाइंटें हैं उसे हमें मिलाना है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे हम इसको मिलाएंगे पट्टी को टुकड़े में और यहाँ पे फ्लावर पे पट्टी को आना चाहिए और ऐसे रखेंगे हम अच्छे से, इससे भी सिलाई करते हुए अच्छे से नीचे तक आ जाएंगे। तो जितना भी आपको देखने हैं टुकड़े या पीसेस को मिलाते हुए सेम रखते हुए अच्छे से आपको सिलाई कर लेने हैं। तो देखिए दोस्तों हमने इस वाले को भी ज्वाइंट कर लिया है, सभी अच्छे से हमने जोड़ लिया है। तो जुड़ने के बाद इस तरीके से देखिए हमारा जो पट्टी है इस तरीके से दिखेगा, अंदर की साइड में टुकड़े हमारे आपस में मिल जाएंगे, यहाँ पे डिज़ाइन बन जाएगी। तो हमने इसे जोड़ लिया है ऊपर नीचे आप देख पा रहे होंगे। तो दो पीस हमने जोड़ा एक पट्टी लगा करके, तो आगे भी हम पट्टी लगाएंगे और जो पीसेस हमारी हैं यहाँ पर देखिए वह पट्टी है लगाते जाएंगे और पीसेस को हम ज्वाइंट करते जाएंगे। तो चलिए पूरा जोड़ने के बाद फिर आप लोग को हम दिखाते हैं। तो देखिए दोस्तों हमने सभी को ज्वाइंट कर लिया है, सभी पीसेस को पट्टी लगा करके हमने जोड़ लिया है। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप लोग यहाँ पे जो हमारी लंबाई है, यहाँ पे देखिए लंबाई हमारी दो और यहाँ पे तीन और यहाँ पे चार डिज़ाइन हुआ हमारा और चौड़ाई में हम तीन लगाएंगे। यहाँ पे देखिए दो यहाँ पे तीन, तो तीन लगाया है हमने चौड़ाई में, लंबाई में चार लगाया हुआ है। तो हमारी अच्छे से ज्वाइंट हो चुकी है, हमारी बेडशीट जो है तैयार हो चुकी है।
तो यहाँ पे हम आप लोग को बता दें कि जो पट्टी हमने बताया था कि आपको ऊपर लगाने हैं, तो जो हमने अंदर की साइड में पट्टी लगाया है, वही पट्टी हमने ऊपर की साइड में लगा दिया है, ऊपर और नीचे। तो लगाना तो नहीं चाहिए, अगर आपकी बेडशीट सही हो तो ना लगाएं, लेकिन हम लंबाई बढ़ाने के लिए थोड़ा सा हमने इसे पट्टियों को भी यूज़ कर लिया है अपने बेडशीट के ऊपर और नीचे दोनों तरफ हमने लगाया हुआ। किनारे पर देखिए हमने चौड़ाई में जो है नहीं लगाया हुआ, सिर्फ लंबाई में लगाया हुआ है। तो अब हम किनारे किनारे पट्टी लगाएंगे बेडशीट के चारों तरफ। तो यहाँ पर हमने पट्टी को पहले कट कर लिया है और यहाँ पे चौड़ाई देख पा रहे होंगे कि हमारा 4 इंच की है और लंबाई जितनी भी हमारी बेडशीट होगी उतना आपको लेना है। तो पट्टी को कैसे लगाना है, चलिए हम आपको बताते हैं। हम बेडशीट को लेंगे और उसके ऊपर पट्टी को रखेंगे और चौड़ाई में और लंबाई में भी दोनों तरफ लगाएंगे। तो पहले हम पीसेस को लगा लेंगे अच्छे से, चौड़ाई लंबाई में अच्छे से चारों तरफ लगा करके पीस को हम ख़त्म कर लेंगे। तो उसके बाद हम प्रेस करेंगे, प्रेस करने के बाद फिर आपको बेड पर दिखाते हैं कि आप हमारी बेडशीट जो है कैसी दिख रही है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए हमारी बेडशीट हमने बेड पे बिछा दिया है, हमारी बेडशीट बहुत ही सुंदर लग रही है। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे हमने इस तरीके से अपनी बेडशीट को तैयार करके हमने इसे प्रेस भी कर लिया अच्छे से, और कॉर्नर पे हम आपको दिखा दे रहे हैं कि हमारी पट्टी किस तरीके से हमने लगाया हुआ है। तो वाइट की पट्टी हमने चारों तरफ लगा लिया है, इस तरीके से चारों तरफ हमने लगा लिया है। तो जो ये बेडशीट की लंबाई चौड़ाई है, हम आपको बता दें कि सिंगल ही है, लेकिन जो जिसने बनवाया है वो थोड़ा चौड़े में बनवाया है, 5 फुट में, और लंबाई 7 फुट में है। अगर आप लोग इस साइज़ का बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। तो इस तरीके से हमने अपने बेडशीट को तैयार कर लिया है और इसे प्रेस भी कर लिया, बहुत ही सुंदर हमारी जो डिज़ाइन है बनके तैयार हुई है। तो आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं और बना सकते हैं। और हमने इसके साथ का पिलो कवर भी तैयार किया है, अभी आप लोग को आगे देखने को मिलेगा। तो आप लोग पहले अच्छे से देख लें कि हमारी जो डिज़ाइन है किस तरीके से हमने इसे तैयार किया है और कैसे हमने इसको सिल के पूरा अच्छे से बेड पर बिछा दिया। तो चलिए हम इसके साथ का पिलो कवर दिखा दे रहे हैं आपको। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं पिलो कवर, हमने इसके मैचिंग का पिलो कवर भी तैयार किया है। और जो हमारा डिज़ाइन जो फ्लावर था हमने इसलिए नहीं लगाया क्योंकि पिलो कवर से बड़ा हो जा रहा था और थोड़ा हमें छोटा चाहिए था। तो हमने कुछ इस तरीके से टुकड़े में हमने डिज़ाइन को तैयार किया अपने पिलो कवर को। तो बहुत ही सुंदर पिलो कवर लग रही है इसके साथ में, और मैच भी हो रही है और सुंदर भी लग रही है। तो दोस्तों आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं, बना सकते हैं, जो भी बनाना चाहते हैं सिंगल डबल। तो आप लोग को हम बता दें हमारे चैनल पे बहुत सारा डिज़ाइन आपको मिलेगा, बहुत सारा। जो कटिंग वाली वीडियो है आप लोग को हमने अगली वीडियो में अपलोड किया हुआ है, कटिंग की वीडियो, और उसका लिंक भी दिया हुआ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोग वहाँ से जाके हमारी कटिंग वाली वीडियो को देख सकते हैं और उसमें हमने पूरा डिटेल बताया हुआ है। तो दोस्तों आप लोग भी बना सकते हैं अपने लिए, अपने बेबी के लिए। तो दोस्तों अगर आप लोग भी डिज़ाइन बनवाना या मंगवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। तो दोस्तों आप लोग को हम बता दें कि हमारा एक सेकंड चैनल भी है जिसका नाम है कनीज डिज़ाइनर, वहाँ पे हम बहुत अच्छे से वीडियो डालते रहते हैं और आप लोग को बहुत सारा डिज़ाइन मिलेगा उस चैनल पर भी और इस चैनल पर भी। तो उसका भी लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोग वहाँ से जाकर हमारे सेकंड वाले चैनल पर भी जा सकते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी हमारी वीडियो आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, पसंद आई हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों हमारी वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, बाय।